अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम इस वक्त मारो पे पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरी तरफ से आप तमाम दोस्तों को 77वां योम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज 14 अगस्त का दिन है और मैं सब मौजूद हूँ लाहौर की सड़कों पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। अभी हम जा रहे हैं मार रोड, पहले मार रोड विजिट करेंगे, वहाँ पे जो रौनक है वो देखेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम जाएंगे जे रोड और उससे होते हुए हम इंशाल्लाह गुलबर्ग पहुँचेंगे। और क्योंकि गुलबर्ग जो मेन कार है वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा रौनक होती हैं हर साल, तो इंशाल्लाह वो कवर करेंगे, आप दोस्तों का भी शेयर करेंगे। इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह आज बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी लाहौर की सड़कों पर रौनक देखे थे, ट्रैक ट्रैक ऊपर एंजॉय किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम इस वक्त मार रोड पे पहुंच चुके हैं और जैसे जैसे आगे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रौनक बढ़ती जा रही हैं। तो क्योंकि यहाँ से मार रोड स्टार्ट होता है और जैसे जैसे आगे जाएंगे, क्योंकि चिड़ियाघर आ गया है, जिना पार्क आ गया है, गवर्नर हाउस, इसको सब हम क्रॉस करते हैं, चल आगे जाएंगे। और मैं जैसा देख रहा हूँ कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं रौनक की सबसे बढ़ती जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मार रोड अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो इस रोड पे इतना ज़्यादा रश था कि हमें मार रोड से जे रोड पर जाते हुए कम अज़ कम 1.5 घंटा लगा था। और अगर आम रूटीन की बात की जाए तो अगर रश ना हो तो आप वैसे जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट का रास्ता है। तो जैसे जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आगे जाई जा रहे हैं, रौनक बढ़ती जा रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आप दोस्त भी वीडियो खूब इंजॉय कर रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं जी, अभी हम क्रॉस कर रहे हैं तीसरी होटल को और रोड को जो डेकोरेट किया गया है लाइटिंग लगा के, माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त नज़ारे हैं। और ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं ये आम दिनों में यहाँ देखने को मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये मार रोड जो है पता है कि लाहौर की एक बहुत ही फेमस रोड है, मशहूर रोड है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आम दिनों में ये लाइटिंग यहाँ पे मौजूद होती है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त जा रहे हैं जे रोड की तरफ। तो पहले यहाँ से गुजर के गए हैं लेकिन यहाँ की वीडियो नहीं बनाई थी, तो अब इंशाल्लाह जे रोड पहुँचते हैं। अब जे रोड पे पहुँच के सूरत हाल देखते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये नज़ारा चेक करें ज़रा, ये नहर के ऊपर क्या ही खूबसूरत मंजर है। और ये जो लाइटिंग लगाई है आफरी है, बहुत तेरी लग रही है माशाल्लाह। अभी जिस रोड पर इस वक्त मौजूद हैं, इस रोड की एक खसूसियत बता मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान की पहली प्लास्टिक रोड है जो प्लास्टिक मटेरियल से बनाई गई है। और इसके अलावा जितनी भी रोड देखते हैं वो सब उसके अंदर लुक का इस्तेमाल होता है, बजरी का इस्तेमाल होता है। इसमें बजरी का इस्तेमाल होता है लेकिन लुक की जगह आई थिंक ये प्लास्टिक मटेरियल उस चीज़ें मिला के इस रोड को इस तरह बनाया जाता है। और बताते हैं कि ये रोड दूसरों रोड की नस्बत बहुत ज़बरदस्त है। तो अभी इंशाल्लाह चलते हैं और मजीद आगे देखते हैं कि क्या रौनक वगैरह हैं इस तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी हम जा रहे हैं गुलबर्ग की तरफ और इस शहर में जब पहुंचे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर पे नज़ारे बहुत
डिफरेंट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रोड के सड़क देखे माशाल्लाह, ये जो रोशनियाँ की गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। और मैं बताऊँ कि इस दफ़ा बाजा बजाने पर बहुत सख्ती से पाबंदी थी और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इस पर अमल दरामद भी हुआ, लेकिन बावजूद उसके रोडों पर निकले तो जो आवाज़ें आ रही हैं और उसकी बात ही ना करें, बहुत ज़्यादा शोर था। हर बंदा अल्हम्दुलिल्लाह अपने हिसाब से सेलिब्रेट कर रहा है इस दिन को, मनाया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि अभी मगरिब है, इसके बाद जैसे जैसे मजीद टाइम बढ़ेगा रश और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। मुझे पता है क्योंकि मैं हर साल अल्हम्दुलिल्लाह इन रोडों पे होता हूँ और इन रोडों को विजिट करता हूँ, तो अभी इस वक्त रश कम है, जल्दी आने दोस्त साहब भी शेयर कर लें, क्योंकि जब रश ज़्यादा हो जाएगा तो फिर जनाब जब रश में फंस जाएंगे फिर और कहीं निकलने का रास्ता नामुमकिन हो जाता है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि लास्ट के जब हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे उस टाइम भी तहरीके लबैक की रैली यहाँ से निकल रही थी और उस टाइम जो रश था बहुत ज़्यादा रश, यहाँ से पॉसिबल भी नहीं था कि हम निकल के बाहर जा सकें। अभी अलहमदिल्ला इस वक्त बिल्कुल हफीज सेंटर के हम पास पहुंच गए हैं और सामने एक गुलबर्ग का बहुत ही मशहूर एक गोल चक्कर सा आ रहा है, उसको क्रॉस करेंगे, उसको क्रॉस करने के बाद इंशाल्लाह हम फिर आ जाएंगे वापस, क्योंकि जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे ये नज़ारे इसी तरह रहेंगे अलहमदिल्ला और नज़ारे और बेहतर से बेहतर होते जाएंगे, लेकिन अभी हिम्मत जवाब देगी। अभी अलहमदिल्ला वीडियो बनाती है कब बेस 2 से 2.5 घंटे हो गए हैं, मुकम्मल तले रोडों का हमने विजिट किया अल्हम्दुलिल्लाह और आपके साथ शेयर किया कि यहाँ पे क्या खूबसूरत नजारे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये 5-5 हो रही है या बाजे जो बाज रहे हैं ये ऑलरेडी एक बैकग्राउंड म्यूजिक है, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही है। इस तरफ बहुत ज्यादा हो गया है, अभी हमने काफी आगे जाना है और आगे से घूम के आना है। हम पहुंच चुके हैं गुलबर्ग और यहाँ पे जो हालात है बहुत ज्यादा यहाँ पे रश है, जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा हूँ गुलबर्ग पहुंचे के पता चलेगा वहाँ पे क्या सुधार है। आप जिस तरफ देखते हैं बाजी बाजे झंडे झंडे आवाम का रश बहुत ज्यादा इस तरफ अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आ रहा है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, आगे जाकर यूट्रन लेके वापस आएंगे,
और इंशाल्लाह वापसी की तरफ जाएंगे क्योंकि मजा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप जो कि इस वीडियो को खूब इंजॉय करेंगे। उम्मीद है कि मेरी आवाज आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर हो गया है। जैसे जैसे रश बढ़ा और बाजू की आवाजें बढ़ गई हैं और जरा चेक कर यहाँ के सीन। हम चौक में यहाँ पहुंच गए गुलबर्ग चौक पे और यहाँ पे देखते हैं क्या आवाम का जमे गफीर है यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत मजा आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आप दोस्ती खूब इंजॉय कर रहे हैं वीडियो को देख के। अभी इंशाल्लाह हम यहाँ से वापसी का सफर भी स्टार्ट करेंगे क्योंकि इससे आगे जैसे जैसे आगे जाएंगे रश भी बढ़ता जाएगा और काफी लेट हो जाएंगे। बाबा जी लाहौर लाहौर है कहने जिन्हें लाहौर ही तक है वो जमिया नहीं। कुछ मेरे दोस्त इसका ना मतलब गलत ले जाते हैं। इसका मतलब यही बनता है कि लाहौर की जिस बंदे ने रौनके देखी नहीं उसने कुछ भी नहीं देखा। यही रौनके हैं मशरा जो देखने वाली होती हैं। दुनिया के हर मुल्क में हर शहर में इस तरह की रौनके मौजूद होती हैं लेकिन जो रौनक हमें लाहौर के अंदर मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी जगह मौजूद नहीं है। क्योंकि मैं कुछ ऐसा तुर्की भी अल्हम्दुलिल्लाह रहा हूँ वो भी अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह लाहौर ये मनाते हैं इस तरह शायद भी मनाता हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि किस तरह रौनकें लगी हुई हैं रोडों पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बहुत मजा आया। उम्मीद करता हूँ आप दोस्त खूब एंजॉय करेंगे इस वीडियो को देख के। जैसा कि आपने देखा मैंने दोस्तों को लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों का विजिट कराया तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आया। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों भी खूब इंजॉय किया होगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो मेरे किस शहर से देख सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि आप कहाँ काफी वीडियो मेरी देख रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह खूब हमने इंजॉय किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। मेरे चैनल राइट इमरान को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत है। अल्लाह हाफिज़।